ये नव युग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया अभियान को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपनाया और कौशल विकास और रोजगार विकास से सक्षम हरियाणा बनाने की मुहिम शुरू की। पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य में कौशल विकास और रोजगार पर आधारित ट्रेनिंग पाकर हरियाणा के युवा अपना रोजगार करने में सक्षम बने रहे हैं। ये है हरियाणा के सफलता की नई तस्वीर। इस लक्ष्य को पाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपने चार प्रमुख विभागों, रोजगार विभाग, कौशल विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के तहत अपनी योजनाओं और ट्रेनिंग का विस्तार किया, जिससे कि युवा कौशल विकास और रोजगार पाकर सक्षम बन पाए। पिछले चार वर्षों में रोजगार विभाग की ओर से राज्य के लगभग 75,000 से भी ज्यादा युवाओं को सक्षम युवा कार्यक्रम के तहत भत्ता एवं मान्यदेय योजना लाभ मिला है। इस योजना के लाभार्थी आज स्वयं काम कर रहे हैं। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बाद मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था आगे, क्योंकि घर वाले भी इतने सक्षम नहीं थे आगे मेरे को पढ़ाने के लिए, ताकि मैं कोचिंग ले सकूं, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करूं। इसके लिए मेरे को पैसा भी चाहिए था, तो सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई जिसके तहत मेरे को काम भी मिला और प्रति 100 घंटे की बजाय मेरे को प्रति मास 9,000 रुपये मिले, जिससे मेरे घर के हालात भी काफ़ी हद तक सुधर गए हैं और जो मैं भी अपने घर वालों पे डिपेंड नहीं रहा। रोजगार विभाग के प्रयासों द्वारा 50,000 से ज्यादा युवाओं को ओला और उबर सर्विसेज में रोजगार उपलब्ध करवाया गया। मैं हरियाणा सरकार के रोजगार विभाग से मुझे यहाँ का पता लगा और मैं आज काफ़ी टाइम से इनके साथ जुड़ा हूँ। पहले मैं ड्राइवर के रूप में किसी की गाड़ी चलाता था, आज मेरी खुद की गाड़ी है और मैं बढ़िया कमा रहा हूँ और मैं काफ़ी खुश हूँ। उबर के बारे में मुझे हरियाणा रोजगार विभाग के द्वारा पता चला। उससे पहले मैं कंपनी में ड्राइवर के तौर पर गाड़ी चलाता था, पर उसके बाद में जब मुझे पता लगा इस विभाग के द्वारा, तो फिर मैंने उबर ज्वाइन किया, तो तब से और मैं अब तक उबर में काम कर रहा हूँ। स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के जरिए दिए जाने वाले अप्रेंटिसशिप में हरियाणा देश का नंबर वन राज्य है। पिछले चार वर्षों में राज्य के 68,000 से अधिक युवाओं को अप्रेंटिसशिप मिला है। मैं 2017 से इसमें जुड़ी हूँ। मेरे को बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग विभागों में काम मिला है, बहुत एक्सपीरियंस हुआ इसे। यह एक इंजीनियर ट्रेड है और इसमें टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। ये कोर्स करने के बाद मुझे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। कौशल विकास को शिक्षा के बराबर मान्यता देते हुए ITI से पास आउट विद्यार्थियों को योग्यता अनुसार 10वीं और 12वीं क्लास के बराबर मान्यता प्रदान की गई। इस ट्रेड के माध्यम से मेरे को एक ब्यूटीशियन बनने का मौका मिला है और मैं अपने घर वालों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं। इन ITI में 200 करोड़ के लागत से नए इक्विपमेंट लाए गए और हर महीने छात्रों का हाई क्वालिटी असेसमेंट भी किया जाता है। हरियाणा सरकार ने सारे ITI को मिलाकर उनकी स्टार रेटिंग पोर्टल की भी शुरुआत की। मेरा कोर्स कंप्लीट होने वाला है, मेरे इंस्टीट्यूट में बड़ी बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आने वाली हैं, मुझे उम्मीद है कि उन कंपनियों में मेरा सिलेक्शन हो जाए। हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा राज्य में 55,000 से अधिक युवाओं को बढ़ते औद्योगिक इन्वेस्टमेंट, प्रोफेशनल सेक्टर आधारित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की मांग को नजर में रखते हुए ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षित युवाओं, इंडस्ट्री पार्टनर्स, ट्रेनिंग पार्टनर्स, SSC और कौशल विकास प्रतियोगिता विजेताओं के लिए प्लेसमेंट समिट का आयोजन किया गया। HSDM द्वारा राज्य भर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों ट्रेनीज को रोजगार के अवसर मिले।
मैंने HSDM के तहत हैंड एम्ब्रॉयडरी का कोर्स किया और अभी मैं एम्बोस कंपनी में जॉब कर रही हूँ। मैं HSDM और हरियाणा सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन में 13 राष्ट्रीय विजेता घोषित हुए। जैसे मैंने इंडिया स्किल में पार्टिसिपेट किया, हरियाणा सरकार ने फाइनेंशियली और ट्रेनिंग दिलवा के जो हेल्प की है उससे मैं स्टेट लेवल सेल लेवल पे फर्स्ट पोजीशन में आया। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के रूप में भारत की पहली सरकारी कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अपनी बेहतरीन शिक्षा पद्धति, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, 69 इंडस्ट्री पार्टनर और प्लेसमेंट संबंधी गुणवत्ता मानकों के आधार पर यह आज पूरे देश की शान है। इस यूनिवर्सिटी के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए इसे अब तक एसोचैम की ओर से बेस्ट स्किल यूनिवर्सिटी का अवार्ड सहित बेस्ट एजुकेशन अवार्ड फॉर स्किल लर्निंग और डुअल एजुकेशन मॉडल के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। हम लोग पहले ऐसे पार्टनर थे जिन्होंने बिस्कमाइल स्किल सिटी के साथ कोलैबोरेट किया और जो हमारे पास स्टूडेंट की संख्या है वो अराउंड 150 है। ये भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा सरकार ने जिसकी स्थापना की। इन सभी विभागों द्वारा हासिल की गई इन उपलब्धियों से ये साफ है कि हरियाणा कौशल विकास और रोजगार की राह अपनाकर राज्य के युवाओं को सक्षम बना रहा है। कौशल विकास और रोजगार है अब हर युवाओं का अधिकार, जिसके लिए है अब हरियाणा तैयार। है भरा आसमान, भर रही है उड़ान, सपनों की पतंगे छू रही है आसमान। हम बनाएंगे सक्षम हरियाणा, पूरे होंगे हर अरमान।